अयोध्या में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आगामी 25 मार्च से 29 मार्च तक होगा, जिसकी जानकारी सांसद लल्लू सिंह ने प्रेस वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ 11 जनवरी से ब्लॉक स्तरीय एवं नगर क्षेत्र में हुआ था, जिसके अंतर्गत कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट का आयोजन 18 फरवरी को सम्पन्न कराया गया था। इन प्रतियोगिता में विभिन्न ब्लॉकों तथा नगर क्षेत्र में 366 टीमों के 4,392 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें प्रतिभाग करने वाली विजेता एवं उप विजेता टीम सांसद खेल महोत्सव के फाइनल में 25 मार्च से 29 मार्च तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान मकबरा स्टेडियम में खेलेंगी, जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और समापन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। सांसद ने कहा कि इनमें खेले गए 4 खेलों के अतिरिक्त एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए, खेल और खिलाड़ियों की जो दशा इस देश में थी, दुर्दशा, उससे उनको बहुत पीड़ा थी। उन्होंने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर 2014 के बाद जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया, और इतने बड़े देश में, एशियाड में, ओलंपिक में भारत का स्थान ठीक से बने, अधिक से अधिक पदक जीतकर हमारे खिलाड़ी आए, इसके लिए लगातार प्रोत्साहन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। स्कूल से लेकर के और गांव से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक खेलों का आयोजन खेलो इंडिया के माध्यम से, सांसद खेल मेला के माध्यम से पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है और भी विद्वत जनों का मानना है कि जिस देश का नौजवान, किसी देश के नौजवान को अगर शारीरिक और मानसिक रूप से उसको हस्त पुष्ट रखना है तो उसको खेल के मैदान पर दिखना चाहिए और दूसरी लतों से वह दूर भी रह सकेगा अगर खेल के मैदान में वह देखा जाए। पूरे देश के सांसदों से उन्होंने कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक खेलों का आयोजन होना चाहिए। फैजाबाद लोकसभा अयोध्या में भी 11 जनवरी से सभी ब्लॉकों में खेल का आयोजन हुआ है और अब 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जिला स्तर पर या लोकसभा स्तर पर इस खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, जिस प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वह इसका शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी इसका समापन करेंगे। लगभग 5,000 खिलाड़ियों ने अभी तक इन खेलों में भाग लिया है। लोकसभा स्तर पर जो खेल होने जा रहा है, इसमें 1600 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल कितना इवेंट है? ओपन इवेंट इस खेल के आयोजन में होंगे और अयोध्या जनपद के जो खिलाड़ी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेला है उनको सम्मानित करने का भी काम जो इस आयोजन समिति है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बांके बिहारी मणि त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने निर्णय किया है कि उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाए।
NABS द्वारा प्रमाणिक मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।